जैसे जानते हो नर्वस सिस्टम जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिस्टम जो है बेसिकली हेल्प करता है टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, मतलब बैलेंस ऑफ द एनिमल बॉडी। सो अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स वर्क विद दिस नर्वस सिस्टम, है ना। और उसके साथ जो इंफॉर्मेशन देती है वो देती है कि कोई भी अगर एनवायरनमेंट में इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज होता है उसके हिसाब से बॉडी को क्या चेंज करनी है, ठीक है। सो दिस नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स इन विच लार्जर सिस्टम्स आर कंप्राइज ऑफ स्मॉलर सब सिस्टम्स, जो कि हर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। इसको जो है डिस्क्रिमिनेट करता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। जो नर्व सेल्स है दैट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा नर्व सेल्स होता है इसको न्यूरॉन्स कहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियस, सम डेंड्राइट्स, सोमा भी कह सकते हैं उसको, सेल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैविंग एक्सॉन एंड टर्मिनल एंड फाइबर्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो होता है दैट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्व सेल्स। तो न्यूरॉन्स जो है, जैसे अब सेल बॉडी की बात करें तो ये तुम्हारा प्रोसेसिंग सेंटर सेल, ठीक है। सेल का ये प्रोसेसिंग पार्ट है, मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है सिचुएटेड, और सारा का सारा एक्शन जो है, फंक्शन जो है यहीं से कवर होता है। जो डेंड्राइट्स देखा, जो कि थिन ब्रांच है, ठीक है, जो कि सेल्स का एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन इसलिए बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। तो जो सेल बॉडी है, ठीक है, उसके टुवर्ड्स ये इम्पल्स भेजता है, इस कारण से इसका जो डेंड्राइट्स जो कहा गया, जो दैट आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। एक्सॉन की बात करें तो दैट आर सिंगल ब्रांच, ठीक है। मोस्टली न्यूरॉन्स में सिंगल ब्रांच होता है एंड इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब जो भी रिएक्शंस होते हैं सेल्स सेल बॉडी में, ठीक है, न्यूरॉन्स के नर्व सेल्स के बॉडी में जो भी एक्शन होता है उसको इम्पल्स के रूप में बॉडी के दूसरे पार्ट में ये भेजता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा, ठीक है, जो कि कवर्ड होता है, बिकॉज अगर उस मतलब ये बेसिक चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर, अगर इसमें कहीं भी किसी तरह का एब्रप्शन हुआ है, टूटा, तो इट विल लीड टू डीजेनरेशन ऑफ द नर्व टिश्यूज और नर्व सेल्स। इसलिए इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम स्वान सेल्स भी कहते हैं, ठीक, और न्यूरोलेमा। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात करें तो टर्मिनल एंड फाइबर्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ द एक्सॉन, और बेसिकली ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स, और एक सेल से दूसरे सेल को मतलब कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस विल लिविंग द न्यूरोन अक्रॉस अ सिनेप्स टू द नेक्स्ट न्यूरोन, ठीक है, एक सेल से दूसरे नर्व सेल्स को ये कनेक्ट करता है। तो बेसिकली इन एन एनिमल बॉडी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर एफरेंट, अफरेंट एंड इंटर न्यूरोन। एफरेंट मतलब जो मोटर नर्व्स हैं, और अफरेंट माने जो सेंसरी नर्व्स हैं। तो एफरेंट नर्व्स जो है दैट आर कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द टारगेट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, वाइल दीज अफरेंट नर्व्स दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सेंसरी रिसेप्टर्स, मतलब किसी भी जो टारगेट ऑर्गन है, सेल्स है, टिश्यूज है, वहां से ये इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहाँ इन्फॉर्म करता है कि इस तरह की चेंजेस होने हैं, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स फिर उसके रिफ्लेक्स में वो परमिशन देता है कि हाँ ये करना है या ना करना है। और जो तीसरी है दैट इज द इंटर न्यूरोन, दिस विल कैरी एंड प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी प्रोसेस्ड एंड कैरीड थ्रू आउट द इंटर न्यूरॉन्स। देख सकते हो यहाँ जो सिमेट्रिक डायग्राम दिया है इफरेंट न्यूरॉन का, अफरेंट न्यूरॉन का और इंटर न्यूरॉन का, तो इसमें बेसिकली देख सकते हो सारा चीज सेम है, ठीक है। सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स भी है, एक्सॉन्स भी है ना,
लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे एक यहाँ देख सकते हो इफरेंट मोटर न्यूरॉन में माइलिन शीथ जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों जगह होता है, लेकिन इंटर न्यूरोन में ये चीज नहीं। ठीक है, तो बेसिक्स कहीं कहीं पर कुछ डिफरेंस है जो उसको एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, जैसे यहाँ सेल बॉडी है देख सकते हो, जो तुम्हारी सेल बॉडी है ये थोड़ी यहाँ चेंज है, रिसेप्टर सेल्स में थोड़ी सी चेंज है। कहने का सेंस है कि इंटर न्यूरोन सेल्स जो है बेटर कैरीड द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेंसरी नर्व्स, इसलिए यहाँ डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर डेंड्राइट्स कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम। न्यूरोग्लिया की बात करें तो दे सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। मतलब किसी भी तरह की अगर कोई वेस्ट मटेरियल अगर कलेक्ट हो गई है, ठीक है, दो सो देन दे हैव टू वेंट टुवर्ड्स द न्यूरोग्लिया। ठीक है, और डेब्री सेल्स को वो रिमूव करती है वहां से। तो बेसिकली जो न्यूरोग्लियल सेल्स जो कहते हैं दैट आर एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रियल एंड माइक्रोग्लिया। ठीक है, ये तीन तरह के सेल्स हैं जो कि किसी भी नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, ओनली दीज थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। सो बेसिकली ऑल बॉडीली एक्टिविटीज दे आर वॉलंटरीली एंड इनवॉलंटरी। ठीक है, एंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स है नर्वस सिस्टम का, दैट आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दैट आर मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लीड इनटू एंड आउट ऑफ द सीएनएस। माने कोई भी ऐसा नर्व्स और नर्व टिश्यूज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर आता है और वहां से जाता है वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आके, लेकिन कोई भी नर्व सेल्स या टिश्यूज जो कि सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सीमित है दैट आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली दिस सीएनएस दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सो दीज ऑर्गन्स दे वर्क टूगेदर टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का सेंसरी या मोटर इंफॉर्मेशन होता है किसी भी जो ऑर्गन से आती है, टिश्यूज से आती है, ठीक है, टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से जो भी चीजें जाती है बेसिक इंफॉर्मेशन दैट विल कन्वे टुवर्ड्स द सीएनएस। और ये सीएनएस जो होती है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शंस, जैसे मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, बिहेवियर। ठीक है, कुछ इस टाइप की चीजें जो अडाप्टिव है और हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, सेंसेशन है, तो ये सारी चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट कवर रहती है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स।